कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो बहुत ही मज़ेदार होती है, लोगों को बहुत पसंद होती है। और आज मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ वो है बलाई से मक्खन बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ घर में ईजिली आप होममेड मक्खन कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है, मतलब हमने यहाँ पे 12 दिन की ले ली है बलाई, और यहाँ मैंने इसको फ्रिज कर लिया था। तो अब यहाँ पर देख लें, जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी तो आपको बताती जाऊँ कि नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है। तो अभी अच्छी तरह ये फ्रीज हुई है और लाइट लाइट से ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो ये मेरी है 12 दिन की बलाई, जो कि मैंने अच्छी तरह इसको स्टोर कर लिया था। सेकेंड यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप दूध, ठीक है, फ्रेश मिल्क वाला आपने दूध लेना है, इसमें पाउडर मिल्क इसमें नहीं डालना। और सेकंड हम इसमें डाल रहे हैं, थर्ड हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून दही, ठीक है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं घर में मक्खन बनाने के लिए। और हम बलाई से किस तरह मक्खन बना रहे हैं ये मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। बहुत ईजी सी रेसिपी, बहुत यूनिक सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और हमें इस तरह अप्रिशिएट करते रहें। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ। जो यहाँ पर मलाई निकाली थी हमने, यहाँ पर जो मलाई को सेव करके रखा था ये अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है 1 कप दूध, जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ ऑलरेडी फ्रेश बलाई वाला, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी यहाँ पे जो मैंने दही लिया हुआ था, तो दही मैंने इसमें ऐड करना है। तो दही मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून दही ऐड कर दिया है यहाँ पे, और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने 1 कप दूध डाल दिया है इसके अंदर, और साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून इसमें जो दही निकाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है मलाई के अंदर। और अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूंगी ताकि अच्छी तरह इसका दही जम जाए मलाई का। और जब ये दही जम जाएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इसके जमने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा मलाई वाला जो दही है वो जम गया है। मलाई के अंदर मैंने 1 कप दूध और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था दही, और उसको मैंने इसको जमने के लिए रख दिया था। जो हमारी मलाई है वो अच्छी तरह जम गई है, मलाई का दही कहते हैं इसको, तो ये अच्छी तरह जम गई है। अब मैंने इसका क्या करना है, मक्खन निकालना है। मक्खन निकालने के लिए मैंने ये जो सारी मलाई है एक ब्लेंडर में डाल देनी है, और ब्लेंडर में डालने के बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। ठंडा पानी डालेंगे, बस यहाँ मैंने सारी बलाई का जो दही था वो मैंने लिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, बॉल के अंदर मैंने आइस डाल दिया है, और आइस डालने के बाद इस पानी का ये जो निकलेगा आइस जो मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद जो पानी होगा बिल्कुल चिल वाटर, वो हमने इसमें ऐड करना है, उसको करना है अच्छी तरह ब्लेंड। तो मैं इसका जो पानी है वो इसमें डाल रही हूँ। यहाँ मैंने जो था चिल वाटर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह कर लूँगी ब्लेंड। जो आइस क्यूब इसमें मैंने ऐड करने, ये जो मैंने चिल वाटर डाला था साथ ही मैंने इसमें आइस क्यूब भी डालने, ताकि हमारा जो मक्खन है फौरी तौर पर और जल्दी से इसके अंदर आ जाए। तो मैंने सारी आइस क्यूब इसमें ऐड कर ली, और अब इसको कर लूँगी ब्लाइंड। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो ऊपर है ये मक्खन है, और जो नीचे अलग होता जा रहा है वो जो वाटर है। तो हम इस तरह करके सारा मक्खन निकाल लेंगे। तो मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ, जो मैंने मक्खन अभी निकाल लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मज़ीद ब्लेंड करती जाऊँगी, इसी तरह मक्खन निकालती जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमने क्या किया था, हमने जो दही का जो मलाई का जो दही था हमने एक ब्लेंडर में डाला था, उसमें आइस क्यूब और चिल वाटर डालकर उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर जो मलाई आ रही थी, जो मक्खन आ रहा था, हमने उसको अलग निकाल लिया। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार ये मक्खन जो हो गया कम्प्लीटली रेडी। ये प्योर मक्खन है जो कि आप बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमने जो
12 डेज की जो बलाई थी, बलाई से हमने ये मक्खन निकाल लिया है और साथ ही मैंने इसकी निकाली है ये लस्सी है, इसको लस्सी भी कहते हैं, छाछ भी कहते हैं, आप इसको कढ़ी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आप नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको वेस्ट मत करिएगा, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप लोग। और हमारी मज़ेदार सी बलाई से हमने जो मक्खन निकाला है बेहतरीन सा हो गया है तैयार। अब इसमें एक लास्ट एक चीज़ रह गई है, वो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, उसको मज़ीद मज़ेदार और यूनिक बनाने के लिए, जो बाजार वाला हम मक्खन खाना पसंद करते हैं, हम इसको मज़ीद कैसे अच्छा बना सकते हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर ना येलो कलर ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारा जो मक्खन है बिल्कुल बाजार के मार्जिन की तरह बने और बिल्कुल येलोश इसका कलर आए। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, मिक्स करने के बाद बताते हैं इसका कलर कैसा आया है। मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, मज़ेदार सा जैसे हम ब्लू बैंड यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली घरों में, तो ये उसी तरह का इसका कलर आ रहा है। ब्लू बैंड की तरह इसको कलर कर दिया है फूड कलर डालकर, येलो फूड कलर डालकर, और अब मैं इसको कर लूँगी स्टोर ब्लू बैंड के ही बॉक्स के अंदर। यहाँ पर मैंने ब्लू बैंड का बॉक्स ले लिया है, नॉर्मली हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं और हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है, और अक्सर आपने रेसिपीज़ में देखा होगा मैं अक्सर ब्लू बैंड का बॉक्स ही यूज़ कर रही होती हूँ बटर वगैरह डालने के लिए। तो अब मैं इसमें यहाँ पे ये डाल रही हूँ, जिसको मैंने बहुत मज़ेदार सा ब्लू बैंड वाला कलर दे दिया है, और ये बिल्कुल बाहर के मार्जिन की तरह बना है। आप इसको डेली बेस अभी खाएंगे तो भी आपका वेट गेन नहीं होगा, ये नॉर्मल रखता है, आपके वेट को गेन नहीं करता, तो ये बहुत अच्छा। तो मैं इसको यहाँ पर स्टोर करी, स्टोर कर बताती हूँ। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार सा जो मक्खन है जो हमने बलाई से बनाया है वो परफेक्टली कम्प्लीटली हो गया है रेडी, और सेम एज इट इज़ वैसे जैसे कि इधर होते हैं मार्केट से, सेम एज इट इज़ उसी तरह का कलर है। हमने लाइट से इसमें येलो फूड कलर ऐड कर लिया था, और सेम एज इट इज़ हमने उसी कलर में इसको बना लिया है, और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्स्चर है, बहुत ही क्रीमी बनता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा मलाई से बना हुआ मक्खन हो गया है कंप्लीट रेडी। मैंने इसको बॉक्सेस में स्टोर करके 1 से 2 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये देखें इसका शेप, मैंने जिस बॉक्स में रखा था वो ब्लू बैंड का ही बॉक्स था, और मैंने थोड़ा सा प्रेस करके रखा था इसलिए बहुत ही अच्छी तरह इसका शेप बन गया है, और जब मैंने इसको निकाला है तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ गया, बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्स्चर है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।